सो आई एम बैक विद द रिक्वेस्टेड वीडियो चिकन कॉर्न सूप। आज मैं आप लोगों को इतने इजी वे में इसको बनाने का तरीका सिखाऊंगी। दिस इज़ अ स्ट्रीट स्टाइल सूप, आप इसको घर पे बना सकते हैं इजीली। इंग्रेडिएंट्स के अल्टरनेट भी मैंने आपको बताए हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हिदा आसिफ। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उन लोगों को भी वेलकम। बिफोर स्टार्टिंग द रेसिपी मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, उसके अलावा जो है आपको इसको बहुत ज़्यादा पेशेंस से ध्यान से देखना पड़ेगा, सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग द रेसिपी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले सूप बनाने के लिए आपको किसी पैन या जिस भी पॉट में आप बनाना चाह रहे हैं सूप, उसमें आपको 8 गिलास पानी लेना है। उसकी मेजरमेंट ये है कि आपको कपिंग के हिसाब से 8 कप्स जो है वो पानी लेना है। और उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे अपना चिकन, जो बोन और बोनलेस दोनों है, मिक्स मैंने इसमें यूज़ किया है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 1/2 kg या 1/2 kg से थोड़ा कम है, ये आपकी क्वान्टिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट सर्विंग बना रहे हैं। उसके बाद इसमें मैंने 1/2 onion ऐड किया है और उसमें मैं ऐड करी हूँ ऑलमोस्ट 1 teaspoon ऑफ लाइक द क्लोव्स ऑफ गार्लिक। और उसमें मैंने ऐड किए हैं गाजर और साथ में मैंने 1/2 teaspoon इसमें काली मिर्च ऐड किया और 1/2 teaspoon इसमें मैंने नमक ऐड किया। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी फॉर 5 मिनट्स। पहले 5 मिनट्स हम इसको करेंगे जी बॉयल। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले कवर करके 5 मिनट्स इसको आपको बॉयल करना है। देन आफ्टर 5 मिनट्स व्हेन यू गेट दिस कंडीशन बॉयलिंग आना शुरू हो जाएगी तो आपको कवर से निकाल देना है और इसको इसी तरीके से पकने देना है। तब तक आपने इसको बॉयल करना है जब तक आपका पानी जो है ना वो तकरीबन 5 कप ना रह जाए। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि 5 कप कितना होगा तो जस्ट कुक इट फॉर 7 to 8 minutes, देन आफ्टर दैट जस्ट स्ट्रेन द चिकन। इसी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने ये चिकन को जो है ना वो बाहर निकाल लेना है और जो उसकी यखनी है यानी कि जो सूप है उसको हम साइड पर कर लेंगे और चिकन को हम साइड पर कर लेंगे। चिकन को आप क्या करेंगे, निकालने के बाद उसको हड्डी से अलहदा करके आपने उसको स्टेन कर लेना है और जो सूप है उसको भी आपको स्टेन कर लेना है। ये स्टेप तो हो गया, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। क्लीन दैट पॉट अगेन और उसी पॉट को यूज़ करते हुए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आई एम मेकिंग इट लाइक इन हेल्दी वे, तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 1/2 cup ऑफ मशरूम्स डाले हैं। अगर आपके पास मशरूम्स नहीं है तो इट्स ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल। और 1/2 cup मैंने इसमें कॉर्नस ऐड किए हैं, बॉयल्ड कॉर्नस थे। और इसमें मैंने 1 chili ऐड किया जो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी थी, इसमें मैंने 1 ऐड किया। अगर छोटी है तो आप 2 ऐड करें। उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी सब इंग्रेडिएंट्स को। इनको सॉटे करने का जो मकसद है ना वो ये है कि हमारे ये जो कैन वाले कॉर्नस और मशरूम्स होते हैं ना, इनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इनको आपको क्या करना है कि थोड़ा सॉटे कर लेना इन ऑयल ताकि इनकी स्मेल थोड़ी डिफरेंट हो जाए। उसके बाद हमने अपना जो बनाया था जी यखनी यानी कि जो सूप था मैंने उसको ऐड कर दिया। ये पूरा 5 कप था यानी कि जिस कपिंग से मैंने इसको मेयर किया था 8 कप, उसी कप से मैंने 5 कप मेयर किया। उसके बाद इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए, सॉल्ट, काली मिर्च एंड यस दिस इज़ चिकन क्यूब। अगर चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। आफ्टर एडिंग दैट जस्ट ऐड द श्रेडेड चिकन जो कि मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था कि आप चिकन को श्रेड कर लें। तो श्रेड करने के बाद आपका ये चिकन कुछ ऐसा लगेगा, आपने इसको इसमें ऐड कर लेना है। ये एक ऐसा स्टेप है जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ऐसा स्टेप है जो कि स्किप हो सकता है सूप में, बिकॉज सूप जो होता है बेसिकली सूप इज़ सूप, लाइक वो पतला होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि इसको बहुत फैंसी बना दिया इसलिए हम लोग उसको थोड़ा थिक करने के लिए जो है ना वो चीज़ ऐड नेक्स्ट स्टेप करते हैं। बिफोर दैट आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ विनेगर और उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ सोया सॉस लाइक 2 tablespoons ऑफ बोथ। और उसके बाद मैंने इसको ज़रा अच्छे से मिक्स किया है। थ्री टी स्पून कॉर्नफ्लावर के अंदर मैंने ऐड किया है पानी और पानी को मैं तब तक उसके अंदर मिक्स करूँगी जब तक वो एक थिन सा मुझे लिक्विड नहीं दे देता है। और दिस स्टेप इज़ बेसिकली नॉट माई फेवरेट पर्सनली बिकॉज सूप इज़ लाइक सूप, थिक सूप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट येस ऑब्वियसली वी हैव टू मेक इट लाइक अ प्रोफेशनल और अ प्रो वे, सो हम लोग इसको जो है करेंगे इस स्टेप को। आपको ये सारा ऐड नहीं करना है इसके अंदर, 1/2 of it ऐड करें पहले और उसके बाद देखिए आपकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। डोंट मेक इट मोर थिक क्योंकि बिल्कुल मज़े का नहीं लगता है।
उसके बाद इसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, कुक इट फॉर 2 मिनट्स एंड देन ऐड 1 बीटन एग। एक बीटन एग आप जब इसमें ऐड करेंगे तो चम्मच आपको इसके अंदर जो है वो हिलाते रहना, ताकि जो आपका एग है ना वो एक जगह पे, मतलब एक स्क्रैम्बल्ड एग की तरह आपको वो बनाना है, आपको एक जगह पे उसको नहीं करना। लेकिन आप इसको मिक्स करते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने कभी भी कॉर्नफ्लावर के साथ इसको नहीं बनाया सूप को, दैट्स वाई मुझे लग रहा था कि मेरा सूप बहुत थिक हो गया। आई डोंट नो, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपको मेरा सूप थिक लग रहा था और इट वॉज थिन और इट वॉज ओके फॉर यू गाइज। आपको कैसा सूप वैसे पसंद है पीना या आपको खाना या जो भी कैसा आपको सर्विंग में पसंद है तो लेट मी नो। उसके अलावा इसको मैंने आपको सर्व करके दिखा दिया, इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने जो है वो सॉस ऐड की थी, द चिली सॉस, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए ग्रीन अनियंस और यू कैन ऐड एनी थिंग लाइक कोरिएंडर और एल्स आप इसको ऐड कर सकते हैं। ईट इट, इन्जॉय इट और इन्जॉय द विंटर्स। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड ऑल्सो यस लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।